share together. करीना, सोनम, स्वरा और शिखा की फिल्म वीरे दी वेडिंग रिलीज हो गई है। फिल्म में इन चारों ने गालियां भी दी है और फिल्म के डायलॉग भी काफी बोल्ड हैं। स्लेप्ट विद हिम? मुझे पता है कि ना उसने 12th भी नहीं पास किया है। अच्छा, तो अब तेरी लेने के लिए डिग्री भी चाहिए। लेकर ऑडियंस का मिक्स रिएक्शन मिल रहा है। हाल ही में सोहा अली खान से उनकी भाभी करीना की फिल्म वीरे दी वेडिंग को लेकर सवाल किया गया, जिस पर सोहा ने कुछ ऐसे जवाब दिया। मैंने अभी तक नहीं देखी है। अगेन दैट्स बिकॉज आई ब्लेम एवरीथिंग ऑन अनाया। इट्स ग्रेट बट यू नो आई डू वॉन्ट टू सी इट एंड आई विल सी इट। इट्स ऑफ कोर्स डूइंग फिनोमिनली वेल। मैंने सबके साथ डिस्कस किया है कि किसको पसंद आए, किसको नहीं पसंद आए, क्यों नहीं पसंद आए, क्या क्यों पसंद आई। सो आई नो एवरीथिंग अबाउट इट, लेकिन ऑफ कोर्स आई हैव टू सी इट माई सेल्फ टू हैव माई ओन ओपिनियन। वहीं सोहा से उनके कमबैक के बारे में भी पूछा गया, जिस पर उनका कहना है कि वो फिलहाल अभी रेडी नहीं है। एक्चुअली ऑन स्क्रीन आप मुझे अभी जल्दी देख पाएंगे इन साहेबी गैंगस्टर 3, क्योंकि मुझे मौका मिला उसमें एक रोल करने का। आई एम वेरी थैंकफुल टू तिग्मांशु धूलिया कि उन्होंने मुझे थर्ड पार्ट में, ही डिडंट किल ऑफ माय कैरेक्टर व्हिच वाज एन ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि अक्टूबर में क्या कर रहे हो। एंड आई सेड वेल अक्टूबर में मैं काफ़ी बिजी हूँ, आई एम हैविंग अ चाइल्ड, सो ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू डू अ मूवी, बट दे मैनेज टू यूज़ माई कैरेक्टर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म। So to answer your question, एक short film तो मैंने किया है called Soundproof, which is now doing the festival circuit and which will release in India. To do a feature film is a big time commitment, and I made that personal decision to give Inaya a year of my life of full attention as much as possible. I can step away for short periods of time. I didn't realize that it's only going to become more difficult to step away, and it's never enough time. But I thought that when she's old enough, she's 8.5 months now, I will take on more work, and I know that she's ready now for that to happen, but the problem is that I'm not ready. Well, Soha in dino apni newborn baby Inaya ki wajah se kafi busy hai. Wo apne is motherhood period ko kafi enjoy kar rahi hai. Bollywood ki updates aur gossip news ke liye Maya Puri Cut subscribe karna na bhule, aur hamare updates janne ke liye bell icon zarur press kare. Share together.